उज़मा सलीम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़िला विहाड़ी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी पाकिस्तान के तमाम शहरी, तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के साथ साथ आज ख़वातीन विंग भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद है, और हम सब इस बात का अज़म करके अपने कायद के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि इंशाल्लाह हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान की क़यादत में एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हो, पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। लुबना श्याम एडवोकेट, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ साउथ पंजाब की वुमेंस विंग की। तो कश्मीर के लिए ज़्यादा यकजहती के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया बेहिस्सी का शिकार है और एक साल से ऊपर हो चुका है और कश्मीरियों को पाबंद सलासल करके रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि दुनिया को एहसास हो कि कश्मीरियों इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं, और उन्हें इतना जुल्म सितम उनके साथ जो करके रखा हुआ है, जिस तरह से मोदी जो कुछ कार्रवाइयाँ कश्मीर में कर रहा है वो इंसानियत को झोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद हम सब बेहिसी का शिकार हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने जिस तरह से UNO में कश्मीर के इशू को उजागर किया था, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को हम आज़ाद करवाएं। बहुत शुक्रिया।